हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेके आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। मतलब अगर हम किसी टी को टी की कोई पावर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालते हैं। कैसे हम इसको करेंगे। देखिए अगर आपको लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है तो लाप्लास ऑफ टी से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यह आता है माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। यह हम बात करें टी पावर एन से मल्टीप्लाई किया जाए तो यह आता है माइनस वन पावर एन डी एन डी एस एन एफ एस। मैं यहाँ पे सामने कुछ एग्जांपल्स लूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ऑफ टी साइन टू टी, है ना, ये आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ऑफ टी कॉस थ्री टी, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लाप्लास टी साइन टू टी का लाप्लास निकालना तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम साइन टू टी का लाप्लास निकालेंगे। कितना आएगा यहाँ पे टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ये माइनस का डी बाई डी एस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। और जैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह आएगा ये फोर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर। अगर उसकी बात करें हम तो क्या करेंगे, देखिए आप अगर हम इसका लाप्लास निकालना है सबसे पहले हम किसका लाप्लास निकालेंगे लाप्लास ऑफ कॉस थ्री टी। कितना आएगा यहाँ पे ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन देन लाप्लास ऑफ टी कॉस थ्री टी तो यह आएगा ये माइनस का डी बाई डी एस ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन। और आपको यहाँ पे एस के रेस्पेक्ट में करना तो यू अपॉन वी से इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन होगा। तो मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ इसका सीधा वैल्यू आएगी एस स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से हम इसका क्या करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द लाप्लास ऑफ ई की पावर फाइव टी टी कॉस थ्री टी। तो यार आपने उन्हें क्या करा है यहां तक तो सॉल्व कर ही दिया है ना। अब यहां पे जब e की पावर किसी के साथ प्रोडक्ट में आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं जहां पर s वहां क्या जाता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा आएगा क्या आएगा s माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एस माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिया, अगर आपसे ये पूछा जाए इस क्वेश्चन के लिए कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, आपसे पूछे कि व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस थ्री टी टी साइन टू टी, तो आपने टी साइन टू टी का लाप्लास तो निकाल ही लिया ये। अब उसके साथ ई की पावर माइनस थ्री टी आ रहा है तो जहां पर भी एस है वहां माइनस है तो क्या लगेगा एस प्लस थ्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे अगर बात करें हम तो फोर एस प्लस थ्री अपॉन क्या आएगा यहाँ पे ये एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको एक चीज और समझाई थी और वो ये समझाई थी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन भी है कि हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है और वो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो से इन्फिनेटिव ई की पावर टू टी टी साइन टू टी की जगह फोर टी थ्री टी ले लीजिए साइन टू टी, है ना। अगर आपको इसकी वैल्यू पूछ ली जाए कि यार इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, तो हमने इंटीग्रेशन जो पढ़ा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि टी साइन टू टी पता है हमें या ई की पावर थ्री टी के साथ साइन टू टी हमें पता है, पर हमें ये नहीं पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तीन फंक्शन का इंटीग्रेशन एक साथ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लाप्लास की हेल्प से इसको इजीली सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लाप्लास के बेसिक फार्मूले पे। सो लाप्लास का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है मैं आपको यहाँ लिख के समझा देता हूँ। तो लाप्लास का जो हमारा फार्मूला होता है जो हमने स्टार्ट में जब फर्स्ट लेक्चर था मेरा उसमें समझाया था जीरो से इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी, है ना। तो ये यहाँ पे माइनस थ्री टी ले लेते हैं ना। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि आपसे बोले कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस तो हम क्या करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अभी ये निकाला है, अब हम क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका जो फार्मूला है फार्मूला क्या होता है लाप्लास ऑफ एफ टी का, लाप्लास ऑफ एफ टी का फार्मूला होता है जीरो से इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस एस टी टी साइन टू टी डी टी, है ना। ये एफ टी है मेरा, है ना। तो एफ टी यहाँ लिखा e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी और इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाली है निकाली फोर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी तो आप देखिए यहाँ पे e की पावर माइनस एस टी और यहाँ पे कितना है थ्री है तो जहां पर भी एस है वहां क्या रखेंगे हम थ्री रखेंगे। तो क्या करेंगे पुट एस इज इक्वल टू थ्री तो जहां पर भी एस है वहां थ्री रखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा फोर इंटू थ्री डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा यहाँ पे थ्री का स्क्वायर प्लस
4 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 12 अपॉन 9 एंड 4 कितना होता है यहाँ पे 13, सो दिस इज 169। तो इसका वैल्यू ऐसा था। इसी टाइप से अगर आपसे इस क्वेश्चन का पूछा जाए कि फाइंड द लाप्लास ऑफ दिस एंड आल्सो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर, यहाँ पे आपसे पूछ ले कि 5t है ना, t cos 3t dt, तो हम कैसे निकालेंगे? वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे। आप जानते हो इसका फार्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ ft का फार्मूला क्या होता है, 0 से इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस st t cos 3t dt, है ना। अब यहाँ पे जहाँ पर भी s, वहाँ क्या रखेंगे हम, s की जगह क्या रखेंगे हम, पुट s इज इक्वल टू माइनस s इज इक्वल टू क्या रखेंगे 5, तो मतलब s की जगह आप क्या रखेंगे माइनस का 5, आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स में कैसे इसको यूज किया जाता है। सो एक क्वेश्चन अब मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे हम लाप्लास में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन 2t एंड हैंस इवेल्युएट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2t टी साइन, थ्री ले लीजिए टी साइन 2t dt, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे लाप्लास ऑफ साइन 2t, सो इसकी वैल्यू आपके पास आती है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, देन लाप्लास ऑफ टी साइन 2t, तो यहाँ क्या आता है, माइनस का डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, सो इसकी वैल्यू आती है आपके पास 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लाप्लास ऑफ, आपसे ये पूछ रहा है कि आपको इसकी वैल्यू निकालना है, तो मैं आपको बताया लाप्लास का फार्मूला खोलेंगे। सो लाप्लास का फार्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, है ना। सो ये आएगा 0 टू इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस एस टी टी साइन 2t dt इज इक्वल टू 4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। नाउ आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पर भी s है वहाँ क्या आ जाएगा, आपको माइनस 3t है, तो पुट s इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे हम 3, सो 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस 3t t साइन 2t dt, जहाँ पर भी s है वहाँ 3 रखेंगे तो ये आएगा 12 अपॉन 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 12 अपॉन 169। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को इनवर्स लाप्लास के अंदर यूज किया जाता है। सो अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि इनवर्स मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉर द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ऐसा कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म में टॉपिक नहीं मिलेगा, बट मैंने अपने हिसाब से नाम दिया यहाँ पे कि हम मल्टीप्लिकेशन जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उसको हम इनवर्स में कैसे यूज करते हैं, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो यहां देखिए ये एल उधर गया, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, ये एल उधर गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का एफ डैश एस लिख सकते हैं। सो एल उधर गया तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस इज इक्वल टू माइनस का टी एफ टी, और ये जो एफ टी की वैल्यू ये है, सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस इज इक्वल टू माइनस का टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है कि अगर किसी का डेरिवेटिव हटता है तो माइनस टी आगे आ जाता है, है ना। टी जब अंदर जाता है तो डेरिवेटिव लगता है, टी अगर बाहर आएगा तो डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, हटेगा। सो इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके लॉग वाले क्वेश्चन, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ लॉग एस माइनस 4 अपॉन एस प्लस 3, है ना, या फिर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ लॉग एस 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर पावर 1/2, है ना, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए आप, सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन हमें दे रखा है उसको हम क्या ले लेंगे, एफ एस ले लेंगे। सो लेट एफ एस इज इक्वल टू लॉग एस माइनस 4 अपॉन एस प्लस 3, और बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हम इसको लिख सकते हैं लॉग एस माइनस 4 माइनस लॉग एस प्लस 3। देन हम क्या करेंगे, हम इस क्योंकि लॉग को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो एफ डैश एस इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, 1 अपॉन एस माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एस प्लस 3,
नाउ अब हम इसका क्या लेंगे, इनवर्स लाप्लास लेंगे. सो इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ डैश एस इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ एस माइनस फोर माइनस इनवर्स लाप्लास ऑफ एस प्लस थ्री. और हम जानते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस की वैल्यू कितनी होती है, माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस. तो यहाँ से इसकी वैल्यू लेंगे माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, और इसकी वैल्यू होती है e की पावर 40 माइनस ई की पावर माइनस 3t. देन इस t से डिवाइड करेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी ई की पावर माइनस 3t माइनस ई की पावर 40 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा आपके पास t. तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. आप एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करिए, है ना, ये वाला क्वेश्चन. सो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे यहाँ पे एफ एस. सो लॉग 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर पावर 1 बाई 2. तो हम जानते हैं लॉग के अंदर 1 बाई 2 कहाँ आ जाता है, आगे की तरफ आ जाता है, पावर आगे आ जाती है. सो 1 बाई 2 और इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर. नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो एफ एस इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एस स्क्वायर. नाउ इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बिकॉज हमें क्या करना है, यहाँ पे ये लॉग हटाना है. तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर. नाउ 2 से इसको हटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s. अब दोनों तरफ क्या लेंगे, हम इनवर्स लेंगे. सो इनवर्स ऑफ f डैश s इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s. मैंने अभी आपको सिखाया था कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश एस कितना होता है, मैं इधर समझा रहा हूँ. तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस. और हम जानते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का कितना लाप्लास होता है, यहाँ पे कॉस टी होता है, इसका 1 आता है. देन इसको डिवाइड करेंगे. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी. तो इस तरह से हम इसका लाप्लास इनवर्स निकालते हैं. एक लास्ट एग्जाम्पल देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट एफ एस इज इक्वल टू log s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देन एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, log s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देन इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये आएगा, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देन इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे हम, यहाँ मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यह आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हम जानते हैं इसका लाप्लास कितना होता है, माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, और इसका होता है आपके पास कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी. देन इस टी को डिवाइड करेंगे, सो लाप्लास ये माइनस है इसलिए माइनस चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा 2 कॉस बी टी माइनस कॉस ए टी अपॉन टी. सो इस तरह से हम इसके लाप्लास इनवर्स निकालते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके सामने डिस्कस करा है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी कंसेप्ट की, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं, और इनवर्स लाप्लास वाले जो कंसेप्ट है उस पर इसका क्या एप्लीकेशन, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं. नाउ मैं आपको अगले टॉपिक में समझाऊंगा कि क्या डिवीजन प्रॉपर्टी होती है. जैसे मैं अभी आपको सामने बता रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, अब ये डिवाइड में टी आ रहा है, अगर आपको इसका लाप्लास पूछे तो ऑब्वियसली ये आना चाहिए, है ना. तो टी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड में हो रहा है ना. यहाँ पे आप देखोगे इसका जो आउटपुट आ रहा है उसके आउटपुट में यहाँ टी क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है. तो इसका लाप्लास इनवर्स कैसे निकालते हैं, इस टाइप के फंक्शन का लाप्लास कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है डिविजन प्रॉपर्टी. सो मैं आपको अगले जो मेरा वीडियो है उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा. सो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोज आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और लग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू सो मच.